चलो ये देखो भी है ना, पहले इसकी डेरिवेशन करेंगे। चलो डेरिवेशन जो करोगे आप उसमें साथ साथ करेंगे ना, पॉइंट एस सेट नोट करो आप। एस वन लिखिएगा, एस वन इज द पोजिशन ऑफ सोर्स, एस वन इज द पोजिशन ऑफ सोर्स, एट द टाइम ऑफ एमिजन ऑफ द फर्स्ट वेव, एट द टाइम ऑफ एमिजन ऑफ फर्स्ट वेव। देन वेव स्पीड इज स्मॉल वी, वेव स्पीड इज स्मॉल वी, सोर्स इज ऑल्सो मूविंग विथ स्पीड, source is also moving with speed vs, ठीक है। इसमें ना एग्जाम्पल जो देंगे, इसमें ना वेव वेव के स्प्रेड करने का जो एग्जाम्पल है वो वाटर वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको भी लिखना नहीं है। जैसे पानी में जो वेव स्प्रेड होती है उनकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसे दिखाई जाती है, वाटर वेव अगर हम बात करें तो उसमें जो उनकी स्प्रेडिंग होती है, जो फैलते हैं वो सर्कल्स के फॉर्म में फैलते हैं ना, तो हम वही वही मॉडल यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब सोर्स के अराउंड जो वेव स्प्रेड होगी वो एक सर्कल के फॉर्म में दिखाने जा रहे हैं। आप चाहे तो उसको वैसे लिख सकते हो, वी आर यूजिंग द मॉडल ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वेव इन फॉर्म ऑफ सर्कल, स्प्रेडिंग ऑफ वेव इन फॉर्म ऑफ सर्कल, ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर, ठीक है। ये मॉडल यूज करेंगे, इसके थ्रू हम लोग अपना कंसेप्ट समझेंगे। तो अगर अगर एस वन पॉइंट पर कोई वेव एमिट हुई, जैसा कि पहले लिखा आपने कि यहां से कोई वेव एमिट हुई जिसकी स्पीड वी है, तो टी टाइम बाद उस वेव का रेडियस, मॉडल ध्यान रखेगा, वेव सर्कल के फॉर्म में स्प्रेड होगी पॉइंट एस वन के अराउंड, टी सेकंड्स बाद उस सर्कल का रेडियस कितना दिखाया जाएगा। अगर वेव की स्पीड भी वी लिखी हम लोगों ने वी टी, तो इसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस वी टी हो। और अगर आप परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आई मीन अगर ज्योमेट्री बॉक्स हो तुम्हारे आसपास तो ज्यादा बेटर होगा, और नहीं है तो फिर कोई ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। मतलब ज्योमेट्री बॉक्स से अगर कंपास वगैरह यूज कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा होगा, और नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री से करोगे तो जो कंसेप्ट समझना है वो जल्दी समझ में आ जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा वो। या तो फिर फ्री एंड डायग्राम आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि वो सर्कल जैसा दिखे, बन गया, तुम जुगाड़ कर रहे हो। थोड़ा बड़ा कस्टल सा बनाओ 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 बाकी लोगों ने चीजों ने बना लिया है, इसको आप कह सकते हो दिस इज द वेव ऑफ अ रेडियस, रेडियस फॉर दिस वेव इज आर वन विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अ वेव मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी, स्पीड ऑफ वेव इनटू टाइम टी। ठीक है, अब सुनना एक बार, अगर ये सोर्स मूव ना करे, मतलब स्टेशनरी सोर्स हो, इमेजिन करें कि ये सोर्स हमारा स्टेशनरी है, तो और कुछ टाइम के बाद एक और वेव एमिट होगी यहां से, और वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज एफ,
तो इसका फिजिकल मतलब निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी एफ बोलने का मतलब इतनी वेव एक सेकंड में एमिट होगी, नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड पर सेकंड, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब दो कंजिक्यूटिव वेव को एमिट करने के लिए कितना टाइम इंटरवल लिया जा रहा है, एक सेकंड में अगर आप इतनी वेव एमिट कर रहे हो तो दो 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 कंजिक्यूटिव वेव के एमिशन का टाइम गैप कितना रहा होगा, 1/f। तो अगर इस सोर्स ने फर्स्ट वेव टाइम t इक्वल टू जीरो पर एमिट किया, हम ये माने कि टाइम जीरो पर यहां पहली वाली वेव स्प्रेड होना स्टार्ट होती है फर्स्ट वेव, तो सेकंड वेव कितने टाइम बाद यहां से स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, स्मॉल t बराबर 1/f, मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी यही है। सो आफ्टर 1/f सेकंड्स, व्हिच इज आल्सो टाइम पीरियड, द सेकंड वेव विल स्टार्ट टू स्प्रेड। पर कहां से स्प्रेड होना स्टार्ट होगा, ये सोर्स से, बिकॉज हमने ये एज्यूम किया है फिलहाल के लिए कि सोर्स हमारा स्टेशनरी, तो यहीं से एक और वेव स्प्रेड करके दिखाएंगे जो कि 1/f, जिसको कि कैपिटल टी भी कह सकते हैं टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी सेकंड्स के बाद यहां से स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा। तो टाइम टी पर जब पहली वाली वेव v इंटू टी रेडियस में स्प्रेड कर चुकी है एट द सेम मोमेंट, सेकेंड वाली वेव कितने रेडियस में स्प्रेड कर चुकी होगी सेम टाइम पर, नहीं पहली, एक मिनट सुनिएगा, पहले फर्स्ट वेव ने स्प्रेड करना स्टार्ट किया था टाइम जीरो पर, तो स्टार्टिंग टाइम जीरो और एक स्पेसिफिक टाइम टी, तो दोनों के बीच का इंटरवल दिया और उसको स्पीड से मल्टीप्लाई किया हुआ है। दूसरी वेव कैपिटल टी सेकेंड्स के बाद यहां से स्प्रेड होना स्टार्ट होती है, और इसी टाइम टी पर अगर हम उसका रेडियस फाइंड करना चाहें कि वो कितने रेडियस में स्प्रेड कर चुका होगा, तो रेडियस ऑफ दैट सेकंड वेव पहले वाले से कुछ कम होगा, हाँ, और उसका रेडियस होगा स्पीड इनटू टाइम स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी। ये माइनस कैपिटल टी क्यों किया गया, क्योंकि सेकंड वेव ने स्टार्ट किया है स्प्रेड करना आफ्टर अ टाइम ऑफ कैपिटल टी सेकंड्स। ये वो कंडीशन है, मतलब ये डायग्राम आप उस मोमेंट का बना रहे हो जिस टाइम पर सोर्स हमारा रेस्ट के मोड पे है, स्टेशनरी सोर्स है, और वो लगातार वेव एमिट कर रहा है। पहले एक वेव एमिट की, फिर दूसरी वेव एमिट कर दी, फिर तीसरी वेव एमिट की, फिर चौथी वेव एमिट की, और लगातार वो जो वेव एमिट करा जा रहा है वो कितने कितने गैप पर कर रहे हैं, तो कैपिटल टी सेकंड्स के गैप पर। तो किसी स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पर जब पहली वाली वेव का रेडियस e इंटू टी रहा होगा, तो उसी मोमेंट ऑफ टाइम पर सेकंड वाली वेव का रेडियस पहले वाले वेव के रेडियस से कुछ कम रहा होगा। क्लियर है? अब अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री से प्रॉपरली बनाया होगा तो आपको अपनी ज्योमेट्री में ही दिख जाएगा कि इन दो सर्कल्स के बीच का जो गैप है, दैट मीन्स इन दोनों सर्कल के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा, ये पहली बात तो यूनिफॉर्म होगा, चाहे ये डिस्टेंस आप यहां निकालो, चाहे ये डिस्टेंस आप यहां देख लो, चाहे ये यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं होंगे, तो ये पूरा गैप चारों तरफ एक जैसा होगा, और ये गैप बाय डेफिनेशन कहलाता है हमारे लिए वेवलेंथ लैम्डा। और ये गैप कितना होगा अगर आप ट्राई करो, तो दिस इज बाय डेफिनेशन इट इज वेवलेंथ, बाय डेफिनेशन दिस इज वेवलेंथ व्हिच इज द डिफरेंस इन द टू रेडियस, एंड दैट इज वी इनटू कैपिटल टी, एंड कैपिटल टी इज 1/f, और यहीं से वो फॉर्मूला डिराइव होता है v इक्वल्स टू f लैम्डा टाइप, दैट स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेवलेंथ पहले करी जाएगी कि वेवलेंथ का मतलब क्या था। तो वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द रेडियस ऑफ, और यू कैन से दैट इट इज द डिफरेंस, और इट इज द गैप, बेटर वर्ड होगा, व्हाट इज वेवलेंथ, इट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू वेव्स व्हिच आर एमिटेड एट एन इंटरवल ऑफ कैपिटल, लिखना नहीं है भाई, ये कितना लिखोगे समझोगे कुछ, वेवलेंथ सेपरेशन बिटवीन द टू वेव्स, कौन सी दो वेव की बात कर रहे हैं, जो कंजिकेटिवली एमिट की गई है, मतलब एक वेव एमिट किया उसके बाद एक और वेव एमिट कर दिया, और किसी स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पर उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है,
डिस्टेंस का, उस डिस्टेंस को बाय डेफिनेशन कहा जा रहा है आपके लिए वेव लेंथ। और ये v into f, v equals to f lambda उस केस में लिया गया है जिस केस में हमारा सोर्स जो है वो एक स्टेशनरी सोर्स है, और ये रिलेशन पहले से पढ़ते आ रही है। नाउ द केस ऑफ मूविंग सोर्स, नाउ द केस ऑफ मूविंग सोर्स डेफिनेशन लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, वेव लेंथ की डेफिनेशन यही है। और डायग्राम वाकई क्लियर होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज सारा कंसेप्ट दिखा रहे हो, डेरिवेशन समझ में आ गई तो सब कुछ क्लियर है। पहली वेव, सबसे पहले हम यहां पर एक सोर्स को दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट S1 से, और यहां से वेव एमिट होने के बाद इस पॉइंट के अराउंड स्प्रेड कर जाएगी सर्कल के फॉर्म में, उसको दिखाएंगे और रेडियस ऑफ सर्कल दिखाया जाएगा वी इंटू टी का। पहली वाली वेव ऑफ रेडियस आर वन इक्वल टू वी इंटू टी, ये सर्किल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव है। ये तो इमेजिन कर पाओगे, वाटर का एग्जांपल दिया, जैसे पानी में सर्किल के फॉर्म में वेव स्प्रेड हो रही है, वैसे ही हमने साउंड वेव को भी सर्किल के फॉर्म में सोर्स के अराउंड स्प्रेड करता हुआ दिखाया है। और ये फर्स्ट वेव है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि दिस इज द वेव विच वॉज एमिटेड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। दूसरी वेव जब एमिट होगी तो क्या सोर्स अभी भी इसी जगह पर बैठा होगा, वो मूव कर रहा है, और मान लेते हैं कि सोर्स का मोशन हॉरिजॉन्टली राइट साइड हो रहा है, मतलब हम इस डायरेक्शन में सोर्स का मोशन मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ सोर्स को वीएस लिखेंगे, वीएस स्टैंड फॉर द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और अभी फिलहाल के लिए इसको हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मान लें। पहला डेरिवेशन करने के लिए हम ये मान लें कि सोर्स हमारा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है राइट साइड डायरेक्शन में। तो जिस टाइम ये सेकंड वेव एमिट करेगा वो अपने प्रीवियस पोजीशन से कुछ आगे होगा, उसको हम कोई S2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक इसके थोड़ा सा आगे हम एक पॉइंट दिखा रहे हैं विच इज S2। अब S2 का मतलब दूसरा सोर्स नहीं है, S2 का मतलब ये हुआ सोर्स की पोजीशन बदल चुकी है जब वो दूसरी वेव को एमिट करने वाला है। S1 का मतलब सोर्स की वो पोजीशन जब उसने पहली वेव एमिट की थी, और S2 का मतलब सोर्स की वो पोजीशन जब उसने दूसरी वेव एमिट की है, और ये पोजीशन से डिफर इसलिए कर जाएंगी बिकॉज सोर्स मोशन में, ठीक है। और दूसरी वेव जब S2 पॉइंट से एमिट होगी तो वो स्प्रेड भी अराउंड S2 होगी, सेकेंड वेव जिसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, बट उस सर्कल का सेंटर पॉइंट हमारा S2 रहा होगा। तो अब हम पॉइंट S2 के अराउंड, पहला वाला सर्कल का सेंटर S1 पॉइंट होगा, बट दूसरा सर्कल जो बनाने जा रहे हैं वो S2 के अराउंड बनाएंगे। तो जितने लोग ज्योमेट्री बॉक्स का यूज कर रहे हो अगर आप, तो ध्यान रखना S2 को सेंटर मानना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है, एंड रेडियस फॉर दिस सर्कल विच इज R2, मतलब कि ये सेकेंड वेव ने जो डिस्टेंस कवर करनी होगी, फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज द वेव स्पीड v टाइम टोटल टाइम फॉर विच द सेकेंड वेव, टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल फॉर द सेकेंड वेव। और अगर पहली वाली वेव के लिए टाइम ऑफ ट्रेवल स्मॉल टी है तो दूसरी वाली वेव के लिए टाइम ऑफ ट्रेवल उससे कुछ कम होगा, क्योंकि ये कैपिटल टी सेकेंड्स के बाद एमिट हुआ था, तो स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी, दिस इज द सेकेंड रेडियस, ये वही है जो पहले किया है। बट फर्क सिर्फ इतना हो गया कि इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल में सेकंड सर्किल और फर्स्ट सर्किल कॉन्सेंट्रिक थे, अब सेकंड सर्किल का सेंटर कोई और पॉइंट है, फर्स्ट सर्किल का सेंटर कोई और पॉइंट है। तो अगर आप ज्योमेट्री से बनाओगे तो आपको क्लियरली ये दिख जाएगा कि यहां पर सर्कल्स के बीच में डिस्टेंस कम आएगा, यहां पर सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, और इनफैक्ट पूरा अगर आप एक चक्कर लगा लो तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू सर्कल्स तो यहाँ कहीं पर मिलेगा आपको, और मैक्सिमम सेपरेशन यहाँ कहीं मिलेगा। अब हम डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ यूज करेंगे, और डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ कहता है कि सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज वेवलेंथ। तो अगर कोई लिसनर इस साइड पर हो, सोर्स का वेलोसिटी इस साइड पर, ध्यान दीजिएगा सोर्स की वेलोसिटी भी राइट साइड है, यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा इस टाइम पर, ये डिस्टेंस जो कवर किया गया होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सोर्स,
this will be velocity of source multiplied by time for which the source is moving, and the time of motion for the source is the time between the two waves, capital T है ये. तो अगर यहां पर कोई लिसनर ए है तो इस लिसनर के लिए जो डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ है उस हिसाब से चला जाए तो ये सेपरेशन वेवलेंथ कहलाएगा. सेपरेशन बिटवीन द टू वेव एज पर डेफिनेशन ये वेवलेंथ है. जरा कैलकुलेट करके बताइए क्या वैल्यू बनेगी इस वेवलेंथ. अब आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम आने वाला है. दोनों सर्किल्स का रेडियस पता है. पहले वाले सर्किल का सेंटर पॉइंट एस वन है, दूसरे वाले सर्किल का सेंटर पॉइंट एस टू है. रेडियस दोनों सर्किल्स के नोन है. ये गैप कितना होगा ट्राई करिए, ये अपने आप ट्राई करिए. और ये अगर समझ गए आप तो डॉपलर इफेक्ट अच्छे से समझ जाएंगे. अदरवाइज डेरिवेशंस और भी हैं, इसके डेरिवेशंस बुक्स में अलग तरीके के, हर एक बुक में आप किसी भी बुक में देखोगे तो कोई ये डेरिवेशन कोई नहीं फॉलो कर रहा है. हमें नहीं पता, आप ट्राई करो. हमने आपको बता दिया क्योंकि हमने आप इसलिए बता दिया कि कल को आपका डेरिवेशन खुद भी करने पड़ जाए. तो दो सर्कल्स हैं, सेंटर्स उनके अलग अलग हैं, रेडियस उन सर्कल्स का पता है और ये डिस्टेंस निकालना है. निकल जाएगा. तो यही तो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट में यही समझाया जाता है कि जो साउंड की वेवलेंथ है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी नहीं. अगर सोर्स मोशन में है तो साउंड की वेवलेंथ अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग आएगी. दैट इज ऑल डॉक्टर इफेक्ट जिसके बारे में पढ़ने जाता हूँ. वही डेरिवेशन चल रही है आपकी. और इसलिए हमेशा कहा गया है कि वेवलेंथ कभी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में नहीं आता. खैर ये जो डिस्टेंस है अगर आप इसको मैथ के हिसाब से चलोगे ना तो सही आंसर तुम लोगों ने दिया है. मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ए नाम दे दूँ और यहाँ पर कोई पॉइंट बी नाम दे दूँ तो हमें ए बी फाइंड आउट करना था, ए बी निकालना था. तो और ए बी आराम से आप निकाल सकते हो ऐसे, डिस्टेंस ए बी विल बी एक्चुअली इक्वल टू एस वन एस टू प्लस एस टू बी माइनस एस वन सी. सॉरी एस वन एस टू एक सेकेंड एक ये हो जाएगा एस वन बी एंड माइनस एस वन एस टू एंड माइनस एस टू ए. एस वन बी इज द रेडियस आर वन, हाँ मतलब वी इंटू टी है वो. एस वन बी इज द रेडियस आर वन, एस टू ए इज द रेडियस आर टू एंड एस वन एस टू पता है. तो ये जब सारा कुछ कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका जो आंसर बनेगा इस वेवलेंथ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी वी माइनस वी एस टाइम्स कैपिटल टी विच इज वन अपॉन एफ. अब अगर हम किसी दूसरे लिसनर की बात करें, कोई दूसरा पर्सन जो सेम सोर्स की साउंड को लिसन कर रहा हो और वो बी है, सोर्स के पीछे खड़ा है, लिसनर ए सोर्स के आगे की तरफ है और लिसनर बी सोर्स के पीछे खड़ा है, तो इसके लिए दोनों वेव के बीच का सेपरेशन कुछ और. पीछे वाले पर्सन के लिए सेपरेशन बिटवीन दीज टू सर्कल्स दिस इज अगेन बाई डेफिनेशन वेवलेंथ. तो यहां पर वेवलेंथ की वैल्यू निकाली जाएगा इस साइड पर. तो ये कैलकुलेशन करोगे अगर आप, अब इसको अपने आप ट्राई कर सकते हो कैसे आएगी. तो यहाँ पर जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी v प्लस वी एस डिवाइडेड बाई एस, v प्लस वी एस बाई एस. ये ड्रॉ कर लिया मैंने. अब एक काम और करना है आपको, अगर ये हो गया हो तो एक काम और करोगे. अब एक तीसरी वेव भी बनानी है, तीसरा सर्कल भी बनाना है. अगर डायग्राम के जगह हो तो मान लो ये सोर्स और आगे आ जाएगा और एक एस थ्री पॉइंट आएगा, पॉइंट एस थ्री जहां पर सोर्स ने तीसरी वेव एमिट की हो.
और वो S3 से अराउंड स्प्रेड करेगी। तो तीसरे वाले का रेडियस R3 साउंड की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम स्मॉल t माइनस, यहां तीसरी वेव एमिट हो चुकी है तो वो पहले वाले से कितना पीछे चल रही होगी, 2 times ऑफ कैपिटल t। चाहो तो पूरा डायग्राम बना लो या सिर्फ इतना बताओ कि सेकंड और थर्ड सर्कल के बीच का गैप कितना होगा, ट्राई करो। जैसे पहले और फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप निकाला है, अब मैं आपसे पूछो सेकंड और थर्ड के बीच में कितना गैप होगा। आप चाहो पूरा डायग्राम ना बनाओ आपको, लेकिन ये थोड़ी सी है ना सर्कल्स की प्रॉपर्टीज का, और प्रॉपर्टी भी ऐसी कोई बहुत हाई फाई प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहे, सेंटर आगे शिफ्ट करते जा रहे हो और रेडियस छोटा करते जा रहे हो, बेसिकली ये ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो वी आर शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द राइट साइड एंड द साइज ऑफ सर्कल्स आर रिड्यूसिंग। हाँ, तो व्हाट इज द गैप बिटवीन द सेकंड सर्कल एंड द थर्ड सर्कल, और अगर आपका IQ काम कर रहा हो तो ये बहुत अच्छे समझ जाओगे, जितना आप सेंटर शिफ्ट कर रहे हो और जितना रेडियस छोटा हो रहा है इन दोनों का सम ही वो डिफरेंस होगा। सेकंड और थर्ड में भी सेम आंसर है, ये नोटिस कर लो, सेपरेशन बिटवीन द सेकंड सर्कल एंड द थर्ड सर्कल इज आल्सो बी वी माइनस ऑफ साइन कैपिटल टी। इसको करो, मैं तो बोला हूँ, मैंने बता दिया है और करने से कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको कि ये सही बोल रहा है। तो आएगा वैसे आंसर सही। क्या ये कह रहे हैं कि मतलब किसी भी दो वेव के बीच में ये डिस्टेंस है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, किसी भी दो वेव के बीच में ये डिस्टेंस है, दैट मींस इधर वाले पर्सन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू वी माइनस एस टाइम्स अपॉन बाई एफ होगी, चाहे वो वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू वेव एमिटेड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो हो, चाहे वो वेव करेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ एमिटेड आफ्टर सम सेकंड्स हो, मतलब वेव किसी भी मोमेंट पर एमिट की गई हो वेवलेंथ की वैल्यू ये रहेगी। और बैक साइड में जो पर्सन है मतलब सोर्स के पीछे, मतलब सोर्स का मोशन अगर राइट साइड है तो जो उसके लेफ्ट साइड पर पर्सन करे इनके लिए वेवलेंथ वो आ रहा था वी प्लस वी एस बाई एस। और ड्रॉ कर लिया पूरा, ये कंप्लीट है आपने, और एक लास्ट डेरिवेशन जिसमें होना है वो ये, कोई पर्सन जो है वो ना तो सोर्स के सामने है ना सोर्स के पीछे है, वो सोर्स से किसी एंगल पर है, यहाँ कोई पर्सन मान लेते हैं थर्ड पर्सन सी मान लेते हैं, जिसकी जो लोकेशन है वो सोर्स से किसी एंगल पर, चाहे तो आप नया डायग्राम बना के करना हमको, जिसमें आप भूलेगा ऑलरेडी इतना बना सकते हैं कि उसमें जगह नहीं। तो दो दो वेव का डायग्राम ऐसे ही मतलब दो वेव की डायग्राम, पहली वाली वेव और दूसरी वाली वेव, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं, मैं तो रिलीज करके यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सी है, मान लो जहां पर पर्सन खड़ा है, और ये S1 से मतलब इसको जब हमने S1 से कनेक्ट किया हुआ है, पॉइंट सी को S1 से ज्वाइन करने पर जो एंगल सबटेंड होता है ये थीटा एंगल है, ठीक है। और कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाने जा रहे हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन ये कि ये डिस्टेंस काफी दूर है, मतलब ये पर्सन सोर्स से काफी काफी ज्यादा डिस्टेंस है,
और प्रैक्टिकली जस्टिफाइड भी, प्रैक्टिकली इससे जस्टिफाइड होगा, मतलब S1PA का लार्ज डिस्टेंस होगा या प्रैक्टिकली जस्टिफाइड। आप किसी भी सोर्स से कितनी दूर, मतलब किसी भी स्पीकर से कितना क्लोज जा सकते हो, इवन डीजे वाला भी स्पीकर बज रहा होगा तो आप उससे कितना नजदीक जा सकते हो। कहाँ लगा मुझे कान पे, अगर ये स्पीकर भी होगा तो भी ऐसे सुन लोगे मान लो कम चौदह सौ मैक्सिमम ये कर सकते हो अपना कान बिल्कुल स्पीकर में चिपका करता कोई नहीं है। तो अगर आप 1 मीटर के भी डिस्टेंस पे हो, आपका डिस्टेंस अगर सोर्स से 1 मीटर भी है तो भी ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू S1S2, बिकॉज S1S2 इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड टाइम कैपेसिटी, सोर्स की स्पीड और इनटू कैपेसिटी। ऑफ सोर्स क्या होगा, तो सोर्स की स्पीड हमारे रियल लाइफ में, रियल लाइफ में सोर्सेस की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। और आप जिस फ्रीक्वेंसी को आप सुनते हो 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम इज 1/1000, 1/1000 का टाइम। और कितनी स्पीड से भाग लोगे आप मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली बुलेट ट्रेन जैसी चीजें थी, जैसे शताब्दी ट्रेन है 180 किलोमीटर पर आवर से जो चल रही है, क्योंकि भी अगर आप स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालो 50 तो ये घरेलू चीजों की बात हो रही है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा चलो तो 50 मान लो ट्रेन पे भी बैठे तो 50 की स्पीड है, और 1/1000 टाइम 15 × 1/1000 देता हूँ 1/20 मीटर, 1/20 मीटर के कंपेयर में 1 मीटर 20 टाइम्स ज्यादा। यानी जितने भी प्रैक्टिकल रीजन आएंगे उसमें ये डिस्टेंस नेग्लेक्ट किया जाएगा एज ए कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर रियल लाइफ प्रैक्टिस में। अब आप जबरदस्ती थ्योरी वर्क कर देना चाहिए, ऑब्जर्वर जो है वो 2 मिलीमीटर दूर है सोर्स का, मच्छर लेकर डॉक्टर इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इसे बोलो ना कि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस है और S1 S2 बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो S2 से जब हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं, S2 से इस पॉइंट पर, तो कुछ ऐसा हो रहा है, मान लीजिए इसको मिलाए बराबर नहीं होगी, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ध्यान से होगी बराबर नहीं होगी। अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस लगभग कितना होगा, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, तो ये गैप कितना होगा, ये सीधा ये गैप बाय डेफिनेशन गिवन है। इधर वाला गैप तो निकाल लिया, इधर वाले गैप भी निकाल दिया, ये वाला गैप प्रोसेस ट्राई करके देखो कितना आएगा, इस गैप की वैल्यू और एक तो ऐसे नहीं करना, समझना ही है और कुछ नहीं करना, ये डेरिवेशन जो तुमने किया ना इसको समझो तो वो भी आ जाएगा समझ, अगर ये समझ में आ गया होता तो ये भी समझ में आ गया होगा। हुआ क्या यहाँ पर, देखिए ये जो वेवलेंथ आपने ड्रेस की है इसको मैं फिर से वैसे लिखता हूँ नॉर्मल टाइम के होंगे, ये आंसर आया है V × T - VS × T, और इधर वाली वेवलेंथ का जो आंसर बन रहा था वो आंसर इस साइड वाले, इस साइड वाले वेवलेंथ का आंसर बन रहा है और 1/f को टाइम लेंगे, तो V × T + VS × T। और इनसे पहले एक डेरिवेशन किया था जब सोर्स को स्टेशनरी माना, तो उस टाइम पर वेवलेंथ की जो डेफिनेशन बनी थी वो ये थी V = λ = V × T, स्टेशनरी, जब सोर्स को स्टेशनरी माना था तब हमारा ये रिलेशन आया, जब सोर्स को रनिंग मोड में मान रहे हो तो एक साइड पर -VST कर रहे हो, एक साइड पर +VST, मतलब लैम्डा स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है फॉर द स्टेशनरी सोर्स, उसमें मॉडिफिकेशंस क्या की जा रही है जब सोर्स का मोशन कंसीडर होता है। आप चेक तो करो,
पैटर्न को तो समझो आपका क्या है, वेवलेंथ स्पीड और टाइम पीरियड का ये रिलेशन था जब सोर्स मूव नहीं कर रहा था, और अब ये रिलेशन है जब सोर्स मूव कर रहा है, या तो ये रिलेशन है जब सोर्स मूव कर रहा है। तो अल्टीमेटली उस रिलेशन में या तो माइनस बी एस पी हो रहा है या फिर ये क्या हो रहा है, जो पर्सन यहाँ पर है क्या सोर्स उसको अप्रोच नहीं कर रहा, यहाँ वाले पर्सन की अगर हम बात करें तो सोर्स उसको अप्रोच कर रहा, और कितना डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हुआ उनके बीच में, सोर्स कितने डिस्टेंस से इस लिसनर की तरफ आया होगा, कितना डिस्टेंस अप्रोच किया होगा, तो जो अप्रोच डिस्टेंस है वो माइनस कर दिया, और इधर वाले पर्सन से ये वाला सोर्स दूर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में सोर्स की डिस्टेंस बढ़ रही होगी, और कितना डिस्टेंस बढ़ गया होगा यहाँ पर, तो वो आपने प्लस किया है, मतलब कि पर्सन से उस सोर्स का जो डिस्टेंस प्लस हो रहा है तो प्लस कर दिया, पर्सन से सोर्स का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो वो चीज माइनस कर दी, मतलब या तो आप अप्रोच करने वाले सेपरेशन डिस्टेंस ऐड कर रहे हो या अप्रोच के डिस्टेंस को माइनस कर रहे हो, बेसिकली ये लॉजिक चल रहा है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें और थोड़ा सा काइनेमेटिक्स की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला कांसेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कांसेप्ट जो काइनेमेटिक्स में था, और वो कुछ कांसेप्ट ये था कि अगर कोई पार्टिकल ए मूव करता हो बी स्पीड से और कोई पॉइंट पी है जो सिर्फ थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जो बात ही नहीं, ये स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स में डिस्कस हुआ, उसमें वी को नहीं बोलते, वी का वो कंपोनेंट जो पॉइंट पी की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला कांसेप्ट यहां है ना, देखिए सुनो, अगर ये सोर्स मूव नहीं करता, मान लीजिए ये सोर्स अगर स्टेशनरी रहा होता तो इस पॉइंट पर जो रिलेशन बनता है, अगर ये स्टेशनरी सोर्स होता तो यहां वाले पॉइंट पर जो रिलेशन आता वो रिलेशन आता v लैम्डा इक्वल्स टू vt, और इनसे हमने ये समझ लिया है कि उस रिलेशन में कुछ प्लस हो रहा है या कुछ माइनस हो रहा है, और क्या प्लस माइनस हो रहा है, जितना सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ गया है या जितना सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है वो डिस्टेंस माइनस प्लस कर दिया, तो अगर सोर्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी एस है तो इसका कंपोनेंट इस पर्सन की तरफ कितना होगा, और उस कंपोनेंट से ये पर्सन के नजदीक जाएगा या पर्सन से दूर जाएगा, वो और माइनस कर दीजिए उसमें, यानी कि माइनस वी एस कॉस थीटा टाइम्स, ये यहाँ वाले पर्सन का वेरिएबल। एक बार डेरिवेशन समझ लीजिए कि वेवलेंथ का मतलब जो है लैम्डा इक्वल टू वी इनटू टी, आप काफी टाइम से पढ़ते हो, बट ये स्टेशनरी सोर्सेस के लिए मूविंग सोर्सेस के लिए उसमें अगर कुछ माइनस है या कुछ प्लस है डिपेंडिंग वेदर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या इज मूविंग अवे फ्रॉम द पर्सन, तो अब क्या बोलेंगे कि वेवलेंथ ऑफ साउंड थ्री फैक्टर पे डिपेंडेंट है, स्पीड ऑफ अ वेव जो कि मीडियम पे डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी वो सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड इनडायरेक्टली बिकॉज़ जिसको आप यहां पर वेव स्पीड कह रहे हो इनफॉर्म प्रीवियस क्लासेस में रूट ऑफ बल्क मोडुलस बाय डेंसिटी, तो इसका मतलब ये मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, ये सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी सोर्स का कैरेक्टर है, और थीटा भी है, कि आप वेवलेंथ कैलकुलेट कहाँ करना चाहते हैं, पोजीशन वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द वेवलेंथ, इतने सारे फैक्टर पर लगे लुक करेंगे, वेवलेंथ एमिटेड बाय सोर्स, wavelength emitted by the source, it depends on wavelength emitted by the source, it depends on number one, medium, और उसके bracket में आप चाहे लिख सकते हो कि wave is speed, number two,
वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स तीसरा पोजीशन वेयर, पोजीशन रिलेटेड टू सोर्स, पोजीशन रिलेटेड टू द सोर्स वेयर वी वांट टू फाइंड द सिग्नल, वेयर वी वांट टू फाइंड द सिग्नल. मिनिमम वेवलेंथ कहां पर होगी, सारे डायरेक्शन जब सोर्स के बिल्कुल जैसे सोर्स हमारी तरफ आ रहा हो तो ये मिनिमम वेवलेंथ का केस होगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ वहां पर होगी जहां पर सोर्स आपसे दूर जा रहा होगा. दूर जाने पर मैक्सिमम वेवलेंथ, पास आने पर मिनिमम वेवलेंथ. ठीक, आगे बढ़ते हैं. कहाँ पर नहीं सही लिखा है, सही लिखा है पिएंगे रात में, अभी नहीं, अभी सही लिखा है. तो अब देखो ना क्यों लिखा है मैंने. मान लीजिए अब आपको डॉपलर इफेक्ट का प्रॉपर फॉर्मूले क्या है. मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लाउड स्पीकर है, कोई भी स्पीकर, या लाउड नहीं भी है तो भी एक स्पीकर है, और ये एमिट कर रहा है, एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एमिटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ. बट हालांकि ये भी एक हाइपोथेटिकल बात है यार, क्योंकि कोई भी म्यूजिक सिस्टम सिंगल टोन नहीं बाहर निकालता. तो ये हम मान के चल रहे हैं कि एक ही टोन है, बीप है, बीप है ना, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है. और आप या कोई और इसी तरफ आ रहे हो, मान लो या इससे दूर भाग रहे हो, सुनो आप इससे दूर भाग रहे हो, और आपकी अपनी स्पीड है कि वी ओ है, ओ फॉर द ऑब्जर्वर, एंड ये लाउड स्पीकर की अपनी एक स्पीड है, दैट इज वी एस, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. ठीक है, ना क्वेश्चन ये है, मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आप समझ लें इसको कि क्या करते हैं. फाइनल क्वेश्चन तो ये है कि इस पर्सन को जो साउंड रिसीव होगा वो क्या फ्रीक्वेंसी का होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर द पर्सन क्या रहेगा, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है. क्या जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड यहां से निकल रहा है एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी इसको नसीब होगी, या इसके नसीब में कुछ और है? क्या ये क्वेश्चन, और यही डॉपलर इफेक्ट है कि जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड प्ले किया जा रहा होगा वो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई नहीं देगी. और एक कॉमन एग्जांपल है भैया, आपका ट्रेन जब अप्रोच करती है प्लेटफॉर्म पर तो उनके हॉर्न का पिच कुछ और होता है. जब जैसे 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 ट्रेन नजदीक आती है, क्रॉस कर जाती है, तो हॉर्न के साउंड की टोन बदल जाती है. तो यही डॉपलर इफेक्ट है, डिफरेंट पिच. एक एक करके देखो, जो वेव इस पर्सन तक पहुंचेगी वो क्या वेवलेंथ की होगी. अभी पिछला वाला कंसेप्ट कराया आपने उसके हिसाब से, हाँ मतलब इसके 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 कानों में जो वेव जाएगी वो कितने वेवलेंथ की होगी, लैम्डा कह रहा होगा. तो अभी जो कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से लैम्डा विल बी वी माइनस वी एस टाइम्स कैपिटल टी. अभी डिराइव किया है सोर्स को देखिए, ऑब्जर्वर से क्या मतलब आपको, डेरिवेशन में क्या किया आपने देखो जरा, डेरिवेशन में क्या किया फिर से देखो, मैं चले बोलो डेरिवेशन ऑफ वेवलेंथ देखो आप. एक बात तो बताओ ना, जैसे अरे कहे पगला रहे हो तुमको, अब चलो पॉइंट वाइज बनाते हैं ना. चलो यहाँ पर सोर्स है, मान लीजिए ध्यान से सुन, अब बकवास मत करना. यहाँ पर सोर्स है S1,
और यहाँ पर वो पर्सन है ऑब्जर्वर, ओवन मतलब ऑब्जर्वर की फर्स्ट पोजीशन, सोर्स की पहली पोजीशन। इसने पहली वेव एमिट कर दी और वो एस वन के अराउंड स्प्रेड कर गई। फिर इसने थोड़ा सा आगे बढ़ करके दूसरी वेव एमिट की और वो एस टू के अराउंड स्प्रेड कर गया। ये सेपरेशन आपका लैम्डा है। इसका इस बात से क्या मतलब होगा कि ओवन पॉइंट आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है? जो डेरिवेशन की गई है उस डेरिवेशन में इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको इसकी जरूरत है कि ऑब्जर्वर कितने मीटर आगे चला गया या ऑब्जर्वर कितना मीटर पीछे आया, उससे लैम्डा के कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो वेवलेंथ, वेवलेंथ की अगर आप बात करोगे तो वेवलेंथ यहां पर जो आएगी मतलब सोर्स के डायरेक्शन में, सोर्स की डायरेक्शन में जो भी वेव जा रही है, जिस तरफ सोर्स है उस डायरेक्शन में जो भी वेव ट्रेवल करेंगी उनकी ये वेवलेंथ होगी। हाँ, कुछ वेव इधर भी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में साउंड निकलेगी, तो इसकी कुछ वेव पीछे भी जाएंगी। अब जो वेव पीछे की तरफ जाएंगी वो कुछ अलग वेवलेंथ की है, जो सोर्स से पीछे वेव जा रही है उनका वेवलेंथ कुछ अलग है, उनकी वेवलेंथ की वैल्यू वी प्लस वी एस इनटू टी है। ऑब्जर्वर की लोकेशन ये डिसाइड करती है कि वो कौन सी वेवलेंथ रिसीव करने वाला है, वो इस वाली वेवलेंथ को रिसीव करने जा रहा है या फिर इस वाली वेवलेंथ को रिसीव करने जा रहा है। जो वेवलेंथ मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है उसका सोर्स सॉरी उसका ऑब्जर्वर की प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं, ऑब्जर्वर नहीं भी होगा तो भी यही वेवलेंथ होगी। हाँ, ऑब्जर्वर का काम सिर्फ ये है कि जो वेव ऑब्जर्वर की तरफ वी स्पीड पर चल रही है ना, वेव वेव इस पर्सन की तरफ वी स्पीड पर चल रही है और ये पर्सन खुद वीओ स्पीड पर चल रहा है, तो ये पर्सन जिन वेव को रिसीव कर रहा है वो कितनी स्पीड पर रिसीव कर रहा है? वेव ट्रेवल कर रही है एट स्पीड ऑफ वी, ये वेव भी ट्रेवल कर रही है एट स्पीड ऑफ वी, और ये वेव अगर पर्सन के पास जा रही है तो पर्सन के हिसाब से वेव की जो स्पीड बनेगी मतलब की रिलेटिव स्पीड वी माइनस, तो इस पर्सन के लिए वेव स्पीड कुछ अलग है, इस पर्सन के लिए वेव स्पीड की वैल्यू वी माइनस वी नॉट है, विच इज द रिलेटिव स्पीड। वेव एंड पर्सन बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन वी माइनस वी नॉट, और इस पर्सन की जो पोजीशन है उस साइड पर जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उनकी वेवलेंथ मतलब जिन वेव को ये पर्सन रिसीव करेगा उनकी वेवलेंथ की वैल्यू v माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी। तो फिर इस पर्सन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी? दिस पर्सन रिसीव्स द वेव हैविंग वेवलेंथ ऑफ v माइनस वी एस इनटू टी एंड दोज वेव्स आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन एट ए स्पीड ऑफ v माइनस वी। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर दिस पर्सन? सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर दैट पर्सन और स्पीड अपॉन वेवलेंथ, that means v minus vo divided by v minus vs और 1 by t को लिख रहे हैं यहाँ पर, actual frequency f जो emitted frequency कहलाती है, यही doppler effect का formula है। पर derivation मानता हूँ मैं, derivation हमारी total अलग है, मतलब जो normal derivations मिलेंगी उससे काफी अलग है, क्योंकि सब लोग आपको सिर्फ frequency पर focus करके दिखाएंगे, books में भी जाओगे तो उनको कंसर्न इस बात से नहीं होता कि स्पीड क्या है वेवलेंथ क्या है, उनका कंसर्न सिर्फ एक बात से है फ्रीक्वेंसी, और यही डॉपलेट इफेक्ट कहा गया आपको। और नोटिस करिएगा इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही स्पीड पर चल रहे हो, जिस स्पीड पर सोर्स चल रहा है उसी स्पीड पर उसी डायरेक्शन में पर्सन भी चले, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पर चले, मतलब कि वीओ और वीएस सेम हो, तो इस पर्सन को वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो एमिट हुई है, लेकिन वेवलेंथ उसको अलग देगी, वेव स्पीड अलग होगी वेवलेंथ अलग होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी वही मिलेगी जो यहां से निकल रही थी, और यही डॉपलर इफेक्ट कहा गया था कि उनको रिलेटिव मोशन में आना पड़ेगा। दोनों अगर सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो सोर्स में और पर्सन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, उस कंडीशन में वेवलेंथ और वेव स्पीड पर इनके वेलोसिटीज का असर आएगा
लेकिन सुनने वाली फ्रीक्वेंसी पर इन दोनों की वेलोसिटी का असर कंपनसेट हो जाएगा एक्चुअली। ये ऊपर यहां भी सेम वैल्यू, नीचे भी सेम वैल्यू, कैंसिल करके ये हो गया आंसर, ये है डॉपलर इफेक्ट। तो अगर समराइज करके देखा ना, तो समराइज करके ये देखो करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सोर्स जब मूव करता है तो उसकी वेव ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, उसकी वेव आगे भी ट्रेवल करेंगी, उनकी वेव पीछे भी ट्रेवल करेंगी, और डिफरेंट डायरेक्शन में जो वेव ट्रेवल करेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स वेव विल स्प्रेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल ऑल्सो स्प्रेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और एंड इन ऑल द डायरेक्शन द वेवलेंथ इज डिफरेंट, v माइनस वी एस इंटू टी इन दिस डायरेक्शन, v माइनस v प्लस वी एस इंटू टी इन सब अदर डायरेक्शन, और इसी का डेरिवेशन आप कर रहे थे यार, इससे थीटा एंगल पर जाते तो यहां पर जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उनकी वेवलेंथ कुछ और है, सोर्स से थीटा एंगल पर जो साउंड की वेव जा रही है उनका वेवलेंथ ही कुछ अलग है, उनकी वेवलेंथ v माइनस वी एस कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी है। पर्सन की पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमें यह देखना पड़ता है कि ये जिन वेव को रिसीव करने वाला है वो कितने वेवलेंथ की है, मतलब कौन से वेवलेंथ को ये रिसीव कर रहा, पहले आप वो कैलकुलेट कर लो, और जब ये वेव रिसीव कर रहा था तो इसके और वेव के बीच में कितने रिलेटिव स्पीड थी वो देखी जाए, एंड देन स्पीड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ से निकालो जिसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। कुछ केसेस और दे रहे देखिएगा, इसको नोट कर ले। एग्जाम्पल को केयरफुली समझना होगा, कंसेप्चुअली पूरा आसान सा है लेकिन देखिए, ट्रक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप मान लो ट्रक के ऊपर हो, ऑब्वियसली कोई ड्राइवर भी होगा चलाने वाला, उसको आप कोई ए मान ले, आपको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, एंड कोई और पर्सन भी मान लेते थर्ड पर्सन, वो इस तरफ आ रहा है वीसी स्पीड से, स्पीड ऑफ ट्रक वीटी, ठीक है, और जो ट्रक है वो कंटिन्यूअसली अपना हॉर्न बजा रहा है इसमें, दैट इज अ हॉर्न एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, और हॉर्न उसका आगे लगा है ट्रक के फ्रंट साइड पर, ठीक है, साउंड स्पीड वी मानोगे इसमें, सोर्स क्या हुआ फिर यहाँ पर ट्रक का हॉर्न, आवाज तो हॉर्न से आएगी ना मतलब उसके, ठीक है, अब एक एक करके पूछेंगे। वेवलेंथ फॉर एक एक करके बताना है, आपके लिए साउंड की क्या वेवलेंथ है और पर्सन सी के लिए साउंड की क्या वेवलेंथ, आंसर करो अपने आप, मतलब जो वेव आप सुनोगे वो कितने वेवलेंथ की है और जो वेव ये सुनेगा वो कितने वेवलेंथ की है, हाँ तो जो ये जिस वेव को सुनेगा वो वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट होगी ना, ये इधर वाली वेव प्रोपोगेट होगी, और जो वेव आप सुनोगे वो हॉर्न से पीछे जाएगी, बैक साइड पर वेव आएगी,
तो क्या ये सेम वेवलेंथ की है? हाँ, तो आपके लिए जो वेवलेंथ है वो अलग है, उनके लिए वेवलेंथ अलग है, जबकि दोनों का साउंड सोर्स कॉमन है। एक ही सोर्स से निकलने के बाद इधर इधर अलग वेवलेंथ, इधर अलग वेवलेंथ। कितना हुआ आपके लिए वेवलेंथ अगर पूछा? वी प्लस सोर्स मतलब ट्रक इनटू कैपिटल टी यानी 1/f कह लीजिए उसको, और जो सामने खड़ा है उसके लिए वेवलेंथ वी माइनस वी टी इनटू 1/f। ये पहला कंसेप्ट हो गया वेवलेंथ का। देन व्हाट इज वेव स्पीड फॉर यू एंड फॉर पर्सन सी, जो भी उसका नाम होगा, वेव स्पीड आपके लिए क्या है और पर्सन सी के लिए क्या है? तो ये वेव आपकी तरफ वी स्पीड से आ रही है, लेकिन आप ट्रक पे खड़े हो तो इसका मतलब आप भी तो आगे बढ़ रहे हो वी टी से, तो आपके और वेव के बीच में क्या स्पीड हो रही है? वी प्लस वी टी। वेव वी स्पीड से पर्सन की तरफ जा रही है, पर्सन वी सी स्पीड से वेव की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से जा रहे हैं? जी v प्लस वी सी, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर। एंड फाइनली व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर यू एंड द फ्रीक्वेंसी फॉर द पर्सन सी? आपके लिए सेम फ्रीक्वेंसी क्यों भाई? स्पीड और वेवलेंथ को डिवाइड करोगे, स्पीड डिवाइडेड बाय दिस वेवलेंथ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी फॉर यू इज सेम, कोई फर्क नहीं है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड यहां से निकल रहा वही सुनाई देगा। तो यहां डॉपलर क्यों नहीं लग रहा है? अरे हाँ, हॉर्न में और आपके बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, आप दोनों ट्रक के पार्ट हो, आप भी ट्रक की स्पीड पे चलोगे, ये भी ट्रक की स्पीड पे चलेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज चाहिए रिलेटिव मोशन, वो नहीं है, मोशन है बट रिलेटिव नहीं है। हॉर्न में और पर्सन में मतलब लिसनर में और स्पीकर में सेम वेलोसिटी है, तो उससे वेवलेंथ बदल जाता है, स्पीड बदल जाता है, बट फ्रीक्वेंसी पोर्शन सेम रहता है। नाउ फ्रीक्वेंसी पर्सन सी के लिए क्या होगा? हाँ जी, वेव स्पीड अपॉन दिस वेवलेंथ, वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ, दैट मींस कि v प्लस vc अपॉन दिस वेवलेंथ v माइनस vt, और f न्यूमरेटर में आ जाएगा। फाइनली इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी जो एपरेंटली आप सुनोगे दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी विच इज एमिटेड, एंड यहाँ पर v माइनस v ऑब्जर्वर और यहाँ पर v माइनस v सोर्स, इसको फाइनली एक जनरलाइज फॉर्मूले में डाल दीजिए, फ्रीक्वेंसी का जनरलाइज फॉर्मूला। अब यहाँ माइनस और प्लस दोनों आ सकते हैं, और यहाँ पर भी माइनस या प्लस आ सकता है, जनरलाइज फॉर्मूला हो गया माइनस प्लस का। नहीं सब वो सब बता रहे हैं, जैसे देख रहे हो यहाँ प्लस माइनस का केस बन रहा है, इसके पिछले वाले एग्जांपल में ऊपर माइनस था नीचे भी माइनस था, तो ये सिचुएशन के हिसाब से कहीं भी प्लस और कहीं भी माइनस आ सकता है। और एक्चुअली ऐसे याद रखना होता है, अगर सोर्स और लिसनर इफ दे आर गेटिंग क्लोजर किसी भी वजह से, सोर्स लिसनर की तरफ जाए चाहे लिसनर सोर्स की तरफ आए, अगर वो क्लोज हो रहे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए देन द रियल फ्रीक्वेंसी, ऐसे याद रखिएगा इसको, तो उस हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड हो जाता है। और अगर वो सेपरेट हो रहे हैं, दूसरे से दूर चल रहे, गेटिंग सेपरेटेड वाला केस है अगर, तो दैट मींस कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लेस देन
एमिटेड, और थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना अपना, इस हिसाब से साइन यू चूज करोगे। लाइक सोर्स एंड ऑब्जर्वर्स में अगर ऐसा ले, सपोज दैट सोर्स लेफ्ट साइड मूव कर रहा हो वीएस स्पीड से, और ऑब्जर्वर भी लेफ्ट साइड आ रहा हो वीओ स्पीड से, और यहां पर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको। साइन कन्वेंशन कैसे देखना है वो देखना, साइन कन्वेंशन, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी एमिटेड टाइम्स वी, ऊपर वी ऑब्जर्वर, नीचे वी और नीचे वी सोर्स। अब आपको ये देखना है कहां माइनस कहां प्लस, तो सोर्स के मोशन से एक एक करके देखो, जो सोर्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन है इससे वो ऑब्जर्वर के पास जाएगा या दूर जाएगा। मतलब सिर्फ सोर्स की बात करें अगर, कि ये जिस तरीके से चल रहा है इससे वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है उसकी, और दूर जा रहे पर मुझे कम करनी है फ्रीक्वेंसी, मतलब सोर्स का इफेक्ट ऐसा होगा जिससे कि फ्रीक्वेंसी कम हो, तो यहां पर कौन सा साइन लगाएं, यहां पर क्या कर दे कि वैल्यू कम हो जाए प्लस, और ऑब्जर्वर का इफेक्ट यह है कि वो सोर्स के नजदीक जा रहा है, तो ऑब्जर्वर विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज गेटिंग क्लोजर, तो यहां भी प्लस हो जाएगा, दैट मीन दोनों जगह प्लस आ जाएगा साइन। और एक एग्जांपल देख सकते हो, सोर्स लेफ्ट है मान लीजिए वीएस, एक मिनट सुनना, और ऑब्जर्वर राइट है वीओ। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी देखो, तो नाउ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू रियल फ्रीक्वेंसी एफ टाइम्स वन बाय वन देखेगा। अगर हम सोर्स को ना देखें और सिर्फ ऑब्जर्वर को देखें, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला केस है या कम होने वाला केस है? तो यहां पर माइनस होना चाहिए, न्यूमरेटर में माइनस होना चाहिए। और अगर हम ऑब्जर्वर को ना देखें सिर्फ सोर्स को देखें, तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, और सोर्स डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या करोगे ताकि ये रेशियो कम हो जाए? प्लस करेंगे, यानी यहां पर प्लस का साइन होगा। ऐसे ऐसे करके लिख रहे, और इसके अलावा भी कर सकते हो, एक ऑप्शन और है, अगर इतनी बुद्धि नहीं है, मान लो इतना दिमाग नहीं है आपके पास कि माइनस प्लस देख पाए, तो एक तरीका और है, एफ एपरेंट बराबर एफ एमिटेड, और आप फॉर्मूला लिखो वी माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस वी एस, माइनस प्लस का फॉर्मूला लिखो, सिर्फ माइनस माइनस लिखो, बट हम फिर इसमें ऑप्टिक्स के तरीके से साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। मिरर्स में, जैसे मिरर वाले केसेस में आपको कुछ साइन कन्वेंशन दिए जाते हैं, कि मान लो ऑब्जेक्ट है उसमें एक रे गई और उसकी एक इमेज बन गई मान लो पीछे, तो कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है। तो अगर आपको ये चीजें समझने में प्रॉब्लम है तो फिर ये फॉर्मूला पढ़ो, बट उसके बाद साइन कन्वेंशन पे आओ। पहला रूल, उसमें हम पॉजिटिव साइड कौन सी डायरेक्शन को मानते हैं, ठीक, तो इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन साउंड को मान लीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग साउंड, जिस तरफ साउंड जाएगा वो पॉजिटिव, और साउंड जाएगा किस तरफ, तो साउंड जाएगा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो सोर्स से ऑब्जर्वर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। और दूसरा, वीओ और वीएस को विद साइन कन्वेंशन रखें, यूज साइन फॉर वीओ एंड वीएस। एग्जांपल से दिखाते हैं, पहले लिख लो आप, अगर माइनस प्लस नहीं समझ आता है
गेटिंग क्लोजर गेटिंग सेपरेटेड, ये बात समझ में नहीं आती है। तो आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि ये समझ लो। एग्जाम्पल के लिए सपोज सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं वीएस और वीओ से। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी एमिट की जा रही है वो एफ है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देने वाली है एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो निकालना है आपको। देखो सबसे पहले सोर्स से ऑब्जर्वर मतलब ये साइड हमारी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड है, तो इनमें से किसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई? अगर राइट साइड इज पॉजिटिव देन दिस इज नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव। अब फॉर्मूला ये रहेगा, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज साइन कन्वेंशन से रखी जाएंगी, दैट मींस कि एफ एपरेंट बराबर रियल फ्रीक्वेंसी वी वी, सिंस वीओ इज नेगेटिव नाउ, डायरेक्शन और साइन कन्वेंशन के हिसाब से वीओ नेगेटिव है, तो यहां पर जब वीओ नेगेटिव वीओ रखेंगे और एक माइनस पहले से है यहां पर, तो इसका मतलब ये वीओ वी प्लस वीओ बनेगा, और वीएस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दैट मीन यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, तो माइनस विल रिमेन माइनस वी माइनस वीएस ऐसे हो जाएगा। ये इधर बदल दे इनको, देखो लाइक ऑब्जर्वर एंड सोर्स, एक बार फिर से देखिएगा, अभी भी ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये सॉरी मतलब सोर्स आगे चल रहा है और ऑब्जर्वर इस तरफ चल रहा है, तो सोर्स से इस ऑब्जर्वर की तरफ ये हो गया पॉजिटिव साइड, सोर्स टू ऑब्जर्वर, दैट मीन्स कि दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा। जब दोनों के आगे नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव साइन, इसका भी नेगेटिव साइन, और पहले से नेगेटिव नेगेटिव बैठे हैं यहां पर, तो इसका मतलब एफ एपरेंट की वैल्यू बनेगी एफ वी प्लस वीओ डिवाइडेड बाय, यस ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे नोट्स नहीं बनेंगे, समझाएंगे बेटा उसको, नहीं नहीं कोई बात नहीं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड डॉपलर इफेक्ट। ये है, हम लाउड स्पीकर से ही सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी एफ की बात कर रहे हैं, सुनने वाली है जो एमिट होने वाली है, एमिटेड है ना, और ये सोर्स चल रहा है वीएस स्पीड पे, सामने एक बड़ी सी दीवार है, कोई वॉल है, फिक्स वॉल है, नेचुरल से बात है कि साउंड जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा। क्वेश्चन यही है कि जो साउंड रिफ्लेक्ट होगा उसका वेवलेंथ क्या बनेगा, लैम्डा ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये क्वेश्चन है, कितनी वेवलेंथ का साउंड रिफ्लेक्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक सुनिएगा, जो वेव वॉल की तरफ जा रही है
वेव विच आर प्रोपोगेटिंग टुवर्ड्स द वॉल, कितनी वेवलेंथ की है वो. सो लैम्डा ऑफ द वेव्स विच आर इंसिडेंट ऑन द वॉल, दैट इज वी माइनस वी ऑफ द सोर्स इनटू टी. मतलब पहला डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं उसके अलावा. लोगों को मजा आती है सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में, उनको वेवलेंथ निकालने में बोरियत होती है थोड़ी सी, दिमाग लगता है यहाँ पर, तो वेवलेंथ पढ़ना ही चाहते. फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है तो मजा आती है उसमें. सो लैम्डा इंसिडेंट इज वी माइनस वी एस इंटू टी नाउ, एंड दीज वेव्स आर प्रोपगेटिंग विद द स्पीड ऑफ वी. जो वेव यहां जाने वाली है उनकी स्पीड वी है और वेवलेंथ ये है, तो दैट मीन्स कि कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव यहां पर स्ट्राइक कर रही होगी. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव अगर पूछा जाए तो स्पीड ऑफ द वेव विच इज वी अपॉन द वेवलेंथ ऑफ दोज वेव्स वी माइनस वी एस इंटू टी एंड वन अपॉन टी बिकम्स स्मॉल एफ. तो ये फ्रीक्वेंसी है उन वेव की जो उस वॉल पे जाएंगी, और जिस फ्रीक्वेंसी की वेव किसी वॉल पर स्ट्राइक होती है एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी की वेव रिफ्लेक्ट भी होती है. मतलब फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन में बदलता नहीं है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव. अगेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो ऑप्टिक्स के फिनोमिना पे डिपेंड नहीं करता कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है. इन दोनों ही फिनोमिना में फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस फ्रीक्वेंसी के वेव एमिट की गई थी वही फ्रीक्वेंसी यहां पर आएगी. ये तो डॉपलर इफेक्ट में क्लियर हो चुका है, बिकॉज साउंड वेव एमिट करने वाला सोर्स आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो स्फीयर वाला सर्किल वाला जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन के हिसाब से पहली वेव कहीं और एमिट हो रही है, दूसरी वेव कहीं और एमिट हो जाएगी, तो दोनों वेव के बीच का डिस्टेंस यानी कि वेवलेंथ बदलता चला जाएगा. तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेंगे, किसी भी कंडीशन में सेम आएंगे, ऑलवेज एफ आर इक्वल टू एफ आई. नाउ लैम्डा रिफ्लेक्टेड क्या होगा, तो जो वेव रिफ्लेक्ट होंगी उसके बाद वो कितनी स्पीड पर चलेंगी. तो ये भी स्टार्टिंग में डिस्कस हुआ था कि वेव की स्पीड मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी मीडियम में है जिस मीडियम में पहले थे, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो वी स्पीड पे ही चलेंगे. अगर v स्पीड से गए हैं तो v स्पीड से ही वापस आएंगे, बिकॉज दे आर कमिंग बैक टू द सेम मीडियम. नाउ वी नो द स्पीड ऑफ अ वेव एंड वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, व्हाट इज द वेवलेंथ. तो लैम्डा रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड एंड व्हिच इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट. एंड देन अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो कुछ जो टर्म आएगा आपका v, ये सब कैंसिल वैंसिल होकर के ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इट विल बी v माइनस vs मल्टीप्लाइड बाय या डिवाइडेड बाय f, बेसिकली ये आ जाएगा. तो मैं तो बार बार तुम्हें बोलूंगा भाई, मैं कोई मल्टीपल फॉर्मूला नहीं देने जा रहा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, वेवलेंथ निकालना सीख जाओ सब कुछ हो जाएगा. लिखा ठीक है, तो आंसर सेम ही है मेरे ख्याल से, लैम्डा रिफ्लेक्टेड और लैम्डा इंसिडेंट सेम है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट. सोर्स को आप स्टेशनरी कर लो और वॉल को मूव करा लो. जरा इमेजिन करें कि जो स्पीकर है वो रेस्ट पे है और ये साउंड एफ फ्रीक्वेंसी की एमिट कर रहा है, और ये जिस वॉल पे स्पाइक हो रही है वो वॉल फॉरवर्ड चल रहा है वीडब्ल्यू से, लेकिन वो स्पीड वेव से कम है, अदरवाइज वेव कभी उसको कैच नहीं कर पाएगी. अगर साउंड से ज्यादा स्पीड पे चलेगा तो पॉसिबल नहीं होगा साउंड को यहां पहुंचना. हालांकि रियल लाइफ में बहुत शायद ही कोई ऑब्जेक्ट है जो साउंड की स्पीड से भी तेज चलता हो. साउंड की स्पीड है अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड, जो कि किलोमीटर पर आवर में अगर कैलकुलेट करेंगे आप अराउंड 18/5, समवेयर अराउंड 66 into 18, मतलब 1000 किलोमीटर पर आर की स्पीड, लगभग 1000 किलोमीटर पर आर पे. तो रियल लाइफ में तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी. हाँ, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स की बात छोड़ दीजिए, तो उनमें डॉपलर इफेक्ट कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं वो कहानी अलग है ना.
वहां पर साउंड पकड़ नहीं सकता उसको। हम डायग्राम को कोई भी केस हो सकता है, ऐसे बड़े कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैं तभी तो बोला कंसेप्ट को पकड़ो ना, फॉर्मूला तो बनता रहेगा। जो लैम्डा रिफ्लेक्ट होगा वो निकालना आपको, कितनी वेवलेंथ का साउंड रिफ्लेक्ट होगा। ओके, वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड ये पूछा है मैंने क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप करोगे, सबसे पहले जो वेव इस वॉल पर जाएंगी वो कितने वेवलेंथ की होंगी। स्टेशनरी सोर्स है ना, हाँ, तो लैम्डा हुआ, लैम्डा इंसिडेंट इज अ वी इंटू टी, इसमें कोई चेंज नहीं करता आपको, स्टेशनरी सोर्स है ये। लेकिन वो वेव वॉल के रिलेटिव कितने स्पीड पर जा रही है, हाँ, वी माइनस वी डब्ल्यू, ये स्पीड ऑफ वेव माना जाएगा। वेव की इफेक्टिव स्पीड मतलब रिलेटिव टू द वॉल। तो वॉल के ऊपर जो वेवलेंथ आएगी वो बताओ, लैम्डा वो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से ये वॉल को स्ट्राइक करेंगे वो फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगा आपसे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो वेव वॉल के ऊपर वी माइनस वी डब्ल्यू की स्पीड से इंसिडेंट हो रही है और इतनी वेवलेंथ से इंसिडेंट हो रही है, तो स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, दैट मींस वी माइनस वी डब्ल्यू ओवर वी इंटू टी, ये हमारा इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी है। और इतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव रिफ्लेक्ट भी होगी। यही समझना है, प्लस माइनस का गेम है, जैसे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होती है प्लस माइनस को लेकर के, वैसे यहां प्रॉब्लम होती है। नाउ जो वेव रिफ्लेक्ट होंगी वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, एफ रिफ्लेक्टेड इज सेम एज द एफ इंसिडेंट। बट जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है उनका सोर्स कौन है, और वॉल इज मूविंग, सो दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स एंड दैट सोर्स इज मूविंग, सो व्हाट इज लैम्डा रिफ्लेक्टेड नाउ, लैम्डा रिफ्लेक्टेड अगर हम बात करें तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ ऑफ द वेव विच इज एमिटेड फ्रॉम अ मूविंग सोर्स। समझ आ रहा है बात आपको, so now waves are emitted from this wall, that means wall is the source of these wave and source going towards right, wave going towards left, kaun sa case banega, minus sign wala plus sign wala, so wave speed v plus the source vw times capital t, this is 1 by f, but yahan kaun sa frequency, एफ रिफ्लेक्टेड या एफ इंसिडेंट, एक ही है, दोनों एक ही है। प्रॉब्लम करेगा सर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी में फिर भी बच जाओगे। ऐसा मानिए कि वेव वापस सोर्स, मतलब मानना ही पड़ेगा ना, माने मैंने गलत करो ना, क्या लॉजिक है, वेव तो चलेगी मीडियम के हिसाब से, मतलब वेव चलेंगी वी स्पीड पर ही, और इन वेव को वॉल तो रिसीव कर नहीं रही है, तो हम रिलेटिव क्यों लगाएंगे इनके बीच में। इंसिडेंट वेव के लिए ये रिसीवर है, बट रिफ्लेक्टेड वेव के लिए ये सोर्स है, इस कंसेप्ट पे काम करिए आप। रिफ्लेक्टेड वेव के लिए वॉल को सोर्स मान के काम करता हूँ मैं, कहाँ से मारा है। अच्छा ये
जुगाड़ है वो अजी गलत है। तुमको वेवलेंथ वाला डेरिवेशन समझना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ऑप्शन फिर यही है कि जैसे मान लो जैसे इनकी किस्मत काम कर रही है वैसे आप लोग की भी किस्मत काम कर जाए, कुछ उल्टा सीधा सोचा तब भी आंसर आ जाए। तो या तो ऐसी सुपर लक लेके पैदा हुए हो। तो ये नाउ सोर्स एंड वॉल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, फ्रीक्वेंसी यहां पर एफ है, ठीक है। और अब थोड़ा सा परेशान करेंगे आपको, पहले बता दें यहां पर कोई एक बंदा है या बंदी जो भी कह लो, और वो रेस्ट पे चला देते हैं, सॉरी उसको भी चलाते हैं वीपी से पर्सन, तो ठीक। अब इसको दो साउंड सुनाई देंगे, एक तो डायरेक्टली जो यहां से आ जाएगा और एक साउंड वो होगा जो दीवार पे जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। तो पहले तो आप ये बताओ कि जो ये डायरेक्ट साउंड सुनेगा वो क्या फ्रीक्वेंसी का होगा, सबसे पहले आप ये बताइए। हाँ, डायरेक्टली सोर्स से जो आएगा बिना रिफ्लेक्शन वाला डायरेक्ट साउंड जब इसके पास आएगा तो वो मतलब इसके कानों में जो फ्रीक्वेंसी जाएगी वो कौन सी होगी, वहां पर डॉपलर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट साउंड के लिए। अभी जो फॉर्मूला लिखा था हमने फ्रीक्वेंसी के, अगर जहां तक बात फ्रीक्वेंसी की हो रही है तो आप लगाओ फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट साउंड इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और हमारा फॉर्मूला था वी नीचे वी ऊपर ऑब्जर्वर की स्पीड नीचे सोर्स की स्पीड। तो ऑब्जर्वर मतलब पर्सन वीपी, एक मिनट, माइनस और सोर्स की स्पीड वीएस, लेकिन फिर इसमें साइन कन्वेंशन चलेगा। अगर हम ये फॉर्मूला लगा रहे तो साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से सोर्स से पर्सन की तरफ फ्रॉम सोर्स टू पर्सन मतलब कि ये साइड पॉजिटिव है, तो इनमें से कौन नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा, तो वीएस का साइन बदल जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। ये हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिस्कस हुआ था उसके हिसाब से, ऊपर माइनस रहेगा। और ये डायरेक्ट साउंड भी सुनेगा और एक रिफ्लेक्टेड साउंड को भी सुनेगा ये। तो जो साउंड यहां से पहले वॉल पे जाएगी, वॉल से फिर रिफ्लेक्ट होगी और फिर इसके कानों में आएगी, वो कितने फ्रीक्वेंसी के होंगे। डायरेक्ट साउंड तो आ गया, अब रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी पर्सन के कानों में जो जाएगी वो क्या फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा। ध्यान सुनो, इसमें दो बार डॉपलर इफेक्ट लगेगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे, पहले तो वेव वॉल पर जाए ना, तो पहले वेव जब जाएगी वॉल की तरफ तो सोर्स कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। पहले तो वेव इस पे जाए तो इनके लिए सोर्स और ऑब्जर्वर किसको लोग स्पीकर को, और ये हमारा ऑब्जर्वर की तरीके से हो गया जो वेव को रिसीव करने वाला है। तो क्या फ्रीक्वेंसी जाएगी यहां पर, पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालो इंसिडेंट, ये भी डॉपलर इफेक्ट से आएगी। यहां डॉपलर इफेक्ट है कि जिस फ्रीक्वेंसी से एमिट कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी से यहां आएंगे थोड़ी, यही डॉपलर इफेक्ट है कि जो सोर्स फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है और जो हम रिसीव करेंगे उनमें डिफरेंस है। तो इफ एमिटेड इज स्मॉल एफ देन इंसिडेंट ऑन दिस वॉल रिसीव ऑन द वॉल विल बी एमिटेड इनटू नाउ वी वी अब माइनस माइनस, और ऑब्जर्वर वॉल है, सोर्स वी एस है, साइन कन्वेंशन भी चाहिए, अगेन साइन कन्वेंशन, सोर्स से ऑब्जर्वर पॉजिटिव यानी ये साइड पॉजिटिव,
किस पॉजिटिव साइन के हिसाब से इनमें से कौन नेगेटिव साइड पर है? तो वी डब्ल्यू का साइन चेंज होगा। तो ये तो फ्रीक्वेंसी जो आई और वॉल ने यही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर दी, तो अब यहां से इसी फ्रीक्वेंसी की साउंड रिफ्लेक्ट हो गई। बट रिफ्लेक्टेड वेव के लिए वॉल सोर्स है और ये पर्सन ऑब्जर्वर है। आपको सोर्स ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई करने पड़ेगी। गंदा तो आएगा ही। नाउ द एफ पर्सन, सुनिएगा ध्यान से। अब आप रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एमिटेड फ्रीक्वेंसी मानेंगे। रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज द एमिटेड फ्रीक्वेंसी, सो एफ रिफ्लेक्टेड टाइम्स। अब डॉपलर सेज दैट इट इज वी माइनस ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस सोर्स। हु इज ऑब्जर्वर एंड हु इज सोर्स? पर्सन इज ऑब्जर्वर एंड वॉल इज सोर्स एंड ऑल द साइन कन्वेंशन। आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, व्हिच इज पॉजिटिव साइड। दिस इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो किसी भी साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं। अब एफ आर होगा कितना? तो एफ आर इज सेम एज एफ आई, जितना इंसिडेंट हुआ था वही रिफ्लेक्ट हुआ था। ये डबल डॉपलर इफेक्ट लग रहा है इसमें। तो वो तो भैया अजीब तो आएगा, तो ये सब एक्सट्रीम लेवल पे चलेगा ना। अब तो डॉपलर के वो तो बेसिक वाला कर लिया हमने पहले, जो एक फॉर्मूले से हो जाता है। और एक्सट्रीम इसके लेवल का कोई लिमिट थोड़ी है। अभी सब तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं, देन इनको एक्सेलरेटेड मोशन में लेके जा सकते हैं, इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं, तो बदलता रहेगा ये। खैर मेरा इसी में एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। इसी से अलग, इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड फॉर द सेम अरेंजमेंट? व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड? और क्लास के स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट की डेरिवेशन थे वो समझना होता है कि वेवलेंथ ऑफ साउंड नॉर्मली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेवलेंथ ऑफ साउंड इज नॉर्मली वेव स्पीड इनटू टाइम, बट दैट इज वैलिड ओनली व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट। एंड इफ यू आर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ फॉर अ साउंड व्हिच इज एमिटेड बाय सम मूविंग सोर्स, देन सम माइनस टर्म और सम पॉजिटिव टर्म, ये देखना होता है। मैंने पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड? तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, एक बार सुनिएगा, नॉर्मली वेवलेंथ इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, लैम्डा इक्वल्स टू वी इनटू टी। ये नॉर्मल कंडीशंस में, बट ये तब आंसर सही होता जब जिसने वेव को रिफ्लेक्ट किया था वो रेस्ट पे होता। किसने किया रिफ्लेक्ट इनको? तो ये सोर्स हुआ ना फिर, तो ये रेस्ट में तो है नहीं, और ये वेव और सोर्स अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? तो अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव को देखें और उसको रिफ्लेक्ट करने वाली सोर्स को देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब बताओ यहां माइनस का साइन लगाया प्लस का? माइनस, एंड यहां पर सोर्स की जगह पर वॉल और इनटू टी। बट ये जो टी लिख रहे हैं ना बेसिकली वो 1/f है। ये जो टी है दिस इज 1/f, और कौन सा f? जो रिफ्लेक्ट हुआ है। हाँ वो अलग बात है, पर हैबिट में तो रिफ्लेक्टेड डालेंगे ना, बाद में उसको fi लिख देंगे, बाद में fi लिख देंगे, लेकिन उसकी आदत डालिए। ये भी गंदा सारा होगा, गंदा डॉपलर कह लेते हैं।
नहीं वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना, न्यूमेरिकल सब कट फूट जाएगा और हम से रहते हैं। तो वैसे ही कुछ मानो। चलिए नाउ इफेक्ट ऑफ मीडियम, डॉपलर इफेक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम मतलब मोशन ऑफ मीडियम, अगर मीडियम भी चलेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हवा चल रही हो, हाँ ओके, साउंड भी चल रहा, हवा भी चल रही, और होता तो है अगर आप बात करें तो जी वेव पर फर्क पड़ता है भाई मीडियम का। आधी तूफान आ जाए तो सिग्नल विग्नल सब गायब हो जाते हैं। तो इसके अंदर कंडीशंस ये हैं कि जो सोर्स है वो आपका चल रहा मान लो वीएस स्पीड से, उसको सुनने वाला लिसनर वो चल रहा है वीपी स्पीड से, और दोनों हवा में है मान लो एयर विंड है, और वो विंड भी चल रही है इस तरफ वीडब्ल्यू की स्पीड से। और जो वेव निकल रही है उनकी भी अपनी स्पीड है, वो वी है। कई सारी स्पीड है, इससे बहुत केयरफुल रहिएगा कौन सी स्पीड किसके बारे में है। Vs for source, Vo for observer, Vw for wind, और जिसमें कुछ सिर्फ V लिखा है वो वेव की स्पीड है। और मैं फिर बोल रहा हूं ये वेव की वही स्पीड है जिसको हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ गैसेस में B बाय रो और स्ट्रिंग में रूट ऑफ P बाय म्यू। बट स्ट्रिंग का एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज स्ट्रिंग में डॉपलर इफेक्ट नहीं होता, डॉपलर इफेक्ट साउंड के साथ होता है और लाइट के साथ होता है। तो ये जो फॉर्मूला निकालता है ना स्पीड बराबर रूट बी बाय रो, जिसकी डेरिवेशन पहले की गई थी जिसमें वेव की स्पीड होती है, ये डेरिवेशन की जाती है इन द स्टिल मीडियम। ये अब आप रिवर बोट वाली प्रॉब्लम के तरीके से हो गया सब कुछ कि मीडियम रुका है और मीडियम चल रहा है तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो कंसेप्ट इसका काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस हुआ था, एक बार फिर से लिख रहे हैं, और वो ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी कोई कैलकुलेट करना हो तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्टिल मीडियम एंड प्लस द वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तुमको कुछ भी याद हो भाई, कंसेप्ट यही है कि स्टिल मीडियम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में मीडियम की वेलोसिटी ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट की टोटल वेलोसिटी आती है एक्चुअल वेलोसिटी। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा साउंड है, कंसेप्ट ये है जो काइनेमेटिक्स में रिवर बोट्स में यूज किया गया था, विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम में भी यही यूज किया जाता है, और अब विंड और साउंड के प्रॉब्लम में भी यही यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह साउंड यूज करेंगे। दैट मींस कि नाउ स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू स्पीड ऑफ द साउंड इन स्टिल वाटर, और इसका फॉर्मूला रूट बी बाय रो है। फिर से बोलूं आपसे, साउंड की स्पीड स्टिल वाटर में दैट इज रूट बी बाय रो, जिसका फॉर्मूला निकालते वॉटर नहीं सॉरी एयर, मीडियम यहां पर एयर है तो स्टिल एयर एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द एयर। बस इतना कंसेप्ट लगा के हम साउंड की स्पीड चेंज करेंगे। ये एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है जो रिवर्स के साथ, रिवर बोट में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लगाते हैं। तो ये वेव और विंड में अगर देखा जाए तो ये डाउन स्ट्रीम हुआ या अप स्ट्रीम का केस हुआ। वेव को एज अ बोट मान लिया जाए, अगर आपको विजुअलाइज करना हो तो ये एज अ बोट मान लो और विंड एज अ वॉटर मान लो। अब आप देख लो कौन सा केस हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, तो अब उस हिसाब से साउंड की स्पीड देख ले। और अब डॉपलर इफेक्ट सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी जो लिसन होगी यहां पर, मतलब फ्रीक्वेंसी जिस पर्सन को मिलेगी यानी फ्रीक्वेंसी जो हम ऑब्जर्व करेंगे इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। हमारे पास फॉर्मूला था यहां पर वी माइनस, अभी लिखना नहीं, वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। हम जो साउंड की स्पीड है ना वो मॉडिफाई करेंगे। नाउ साउंड की स्पीड वी नहीं रखी जाएगी, हाँ
तो जहां पर साउंड की स्पीड थी वहां पर वी प्लस वी डब्ल्यू कर दें, डिनोमिनेटर में भी वी प्लस वी डब्ल्यू कर दें साउंड की स्पीड में, और बाकी जैसा फॉर्मूला चल रहा था माइनस वी ऑब्जर्वर माइनस वी सोर्स एज इट इज चल रही थी, सिर्फ साउंड की इफेक्टिव स्पीड इस कंसेप्ट से बदल दीजिए। नहीं ये के स्पीड होती है मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस कितनी स्पीड से चल रहा है, मतलब जैसे ट्रेन के अंदर कोई पर्सन कितनी स्पीड से चल सकता है, मीडियम के अंदर वेव कितनी स्पीड से चल सकती है, ये उसका मेजरमेंट किया गया। ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है इस समय क्या मतलब है, डेरिवेशन ही वैसी है ना वो। तो क्या ये एज पर द डायग्राम कुछ साइन चेंज करने की जरूरत है यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलेगा सही है? चलिए ठीक है। इसी तरह जो वेव यहां पर आएंगी उनकी वेवलेंथ क्या होंगी यार, लैम्डा की अगर कैलकुलेशन बाय चांस कर रहे हैं को आज नॉर्मली इट इज वी इंटू टी फॉर स्टेशनरी सोर्स, इट इज अ मूविंग सोर्स, सो माइनस वी एस टी, बट ये जो वी है वो चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या लिखोगे, मतलब ये वी इफेक्टिव, इफेक्टिव स्पीड ऑफ साउंड, और इफेक्टिव स्पीड ऑफ साउंड का मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन द स्टिल एयर प्लस स्पीड ऑफ एयर, दोनों को एड करके जो आएगा वो इफेक्टिव स्पीड है। इसमें क्या करेंगे देखो, जैसे अगर सुनने वाला आदमी लेफ्ट साइड जा रहा है, अभी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, बहुत तेज आदमी है भाई तो नहीं, बहुत तेज नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और जो स्पीकर है वो चल रहा होगा कुछ 8 मीटर पर सेकंड, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 कर लें। स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया जा रहा है लेकिन वो स्टिल वाटर भी दिया जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन द स्टिल एयर गिवन है 330 मीटर पर सेकंड, और एयर जो है वो राइट साइड चल रही है एट सम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है यहां पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो एमिट हो रही है वो अराउंड 400 हर्ट्ज। अब बताओ क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इसको, बताएं फ्रीक्वेंसी नोटिस्ड बाय द पर्सन, क्या बोल रहे थे, फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी 400 विच इज एक्चुअल, ब्रैकेट लगाया साउंड की इफेक्टिव स्पीड, साउंड का जो डायरेक्शन लिया जाएगा ना वो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ, सोर्स यहां है ऑब्जर्वर यहां है तो हम साउंड इधर लेंगे, साउंड इन द स्टिल स्टिल एयर, साउंड इन स्टिल एयर को इधर है और वो 330 मीटर पर सेकंड है,
और इसमें एयर की स्पीड को वेक्टोरियली ऐड करो, एयर की स्पीड 3 राइट है, साउंड की स्पीड 330 लेफ्ट है, इनको वेक्टर के हिसाब से ऐड करें, अपोजिट वेक्टर ऐड कर रहे हो आप, मतलब कि सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो इफेक्टिवली साउंड स्पीड इज 327 या 327 माइनस माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड 2, सोर्स की स्पीड 4। अब इसमें साइन कन्वेंशन भी देखना है, साउंड के अपोजिट जाने वाला ये सोर्स है, मतलब 4 के आगे का साइन बदलेगा, और साइन कन्वेंशन याद रहे तो फिर तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा ये, और वो कोई बहुत डिफिकल्ट कन्वेंशन नहीं है कि बार बार चेंज हो रहा हो। तो ये अराउंड 331 ऑलमोस्ट 3 मतलब कि कम हो गया फ्रीक्वेंसी। बढ़ाया गया इसको, नेक्स्ट देखो, एचसीवी का प्रॉब्लम नंबर 87 जो है ना, एचसीवी साउंड वेव के प्रॉब्लम नंबर 87 को देखेंगे। साउंड वेव का प्रॉब्लम 87 और सबसे आखिरी प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ डेरिवेशन करना है। अगर आज की स्टार्टिंग की डेरिवेशन में मेरी वाली डेरिवेशन समझ में आएगी तो हो जाएगा, इन बुक्स की डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं होने वाला वो, बट अगर आपने जो अगर हमारी डेरिवेशन समझी होगी सर्कल वाली तो आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें सोर्स को एक्सेलरेट करवा दिया इन्होंने, लास्ट प्रॉब्लम है, वो जानना ये चाहते हैं कि आपका डेरिवेशन क्लियर है कि नहीं। और प्रॉब्लम 87 भी काफी यूनिक क्वेश्चन है, मतलब जो ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं इसको। तो मैं चाहूंगा एक बार क्वेश्चन जल्दी से पढ़ करके समझो क्या है, और एटलीस्ट इसका फिगर तो बना ही ले, मतलब प्रॉब्लम को इमेजिन तो कर ले क्या है। क्या दिया 170 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज भाग रहा है, 3 मीटर 50। नोट मतलब फ्रीक्वेंसी, नहीं यार वेव स्पीड 170, वेव तो साउंड है, वो तो 330 मीटर पर सेकंड में चलता है। मैं इसीलिए बोला क्वेश्चन पढ़ने के लिए, मैं हाँ तो मैं समझाऊंगा थोड़ी से, मैं बोलूँ पढ़ना में तुमको, समझना में तुम्हें, डायग्राम में तुम्हें, क्योंकि मिस्टेक तो यहीं पर हो रही है। हमें नहीं पता क्या लिखा, हमको मत समझाओ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियां क्वेश्चन को रीड करने में होती है, पहले मिस्टेक तो वहां होती है, पर दूसरी आपके कंसेप्ट प्रॉब्लम हुई तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ सक्षम जी, प्रॉब्लम को सिनेरियो समझने में भी टाइम लगता है ना, कि भाई कहना क्या चाह रहा है यार, हाँ तो यही प्रॉब्लम होती है, हाँ तो
तो साउंड 170 पे कहाँ चले गए? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी किताब हिंदी मत को तो कितने भी अंग्रेजी पढ़ लेंगे रहेंगे तो वैसे ही। देखो अच्छा टाइम ओवर हो गया ना, इसमें सोर्स एक लाइन पे चल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लाइन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स, ठीक है। और इससे 200 मीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर है, ये है ना ऑब्जर्वर 200 मीटर के डिस्टेंस पर, उसको डी से डिनोट कर लेते हैं, डी इक्वल टू 200 है। उस लाइन से 200 मीटर के डिस्टेंस पे, जिस लाइन पे सोर्स चल रहा है उस लाइन से 200 मीटर ऑब्जर्वर है, सोर्स से 200 मीटर नहीं है, सोर्स जिस लाइन पे चल रहा है ना उस लाइन से 200 मीटर पे ऑब्जर्वर है, तो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन एंड पॉइंट। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब सोर्स ऑब्जर्वर के बिल्कुल क्लोजेस्ट आ जाएगा, तो उस टाइम पर क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव करेंगे, मतलब सोर्स यहाँ कहीं पर रहा होगा यार, है ना, यहाँ कहीं सोर्स होगा, ये इधर चल रहा होगा, इसकी स्पीड आपको शायद 170 दी हुई है, तो सोर्स कंटिन्यूअसली एक लाइन पे चलता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो जब सोर्स यहाँ पर आएगा तो ये वो पॉइंट होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, और इस समय साउंड कितनी फ्रीक्वेंसी का होगा ये पूछा उन्होंने। चलिए ये बताइए, सोर्स जब इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट है तो साउंड एमिट हो रहा है या साउंड रिसीव हो रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, मतलब दिस इज पोजीशन ऑफ सोर्स, आप ध्यान देना, पोजीशन व्हेन साउंड एमिट नहीं हो रहा है, यहां पर रिसीव हो रहा है, तो एमिट पहले हुआ होगा वो, क्योंकि साउंड को एक डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी लगता है, सोर्स विल बी समवेयर एल्स व्हेन द साउंड वाज एमिटेड एंड बाय द टाइम दैट साउंड ट्रेवल्स टू द पर्सन, सोर्स वहां से कहां आ चुका होगा, पर्सन के बिल्कुल नियरेस्ट, यही गेम है इसमें खाली, और कुछ नहीं है। मतलब एट दिस पॉइंट पर्सन के कानों में साउंड आ चुका है, तो नेचुरली अगर यहां पर जब सोर्स है और तब हम कुछ सुन रहे हैं तो सोर्स यहां पर साउंड एमिट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि तो अगर यहां पर एमिट करेंगे तो उसको डी डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक सोर्स आगे बढ़ जाएगा, मतलब वो पहले कहीं पर साउंड निकल चुका होगा, और जब साउंड यहां से एमिट हुआ होगा, ये अगर साउंड का एमिजन पॉइंट है, तो वेव इस पॉइंट के अराउंड स्प्रेड होगी, समझ पाए इस कंसेप्ट को, और जब वेव इस पॉइंट के अराउंड स्प्रेड होगी तो हमारा ऑब्जर्वर वहां से कुछ थीटा एंगल पर है,
यानी जो वेवलेंथ यहां तक आएंगी वो v माइनस vs cos थीटा इंटू कैपिटल टी विच इज 1/f। अब उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। पर्सन की लोकेशन जो है ना वो एक ऐसे ऐसी डायरेक्शन में है जहां पर जो वेव पहुंचने वाली है वो इतनी वेवलेंथ की पहुंच रही है, थीटा एंगल वाला कंसेप्ट। बट वो पहुंचेंगे तो उतनी स्पीड से, क्योंकि पर्सन तो चल नहीं रहा है यहां पर, तो जो वेव की स्पीड है वही उनकी एक्चुअल स्पीड है, वही रिलेटिव स्पीड भी है, बिकॉज लिसनर मूव नहीं कर रहा हमारा। तो नाउ वेव स्पीड एंड वेवलेंथ दोनों पता चल गए, तो अब फ्रीक्वेंसी जो यहां पर आएगी, वेव स्पीड ओवर द वेवलेंथ, और कॉस थीटा निकाल सकते हैं। क्योंकि जितना टाइम साउंड ने यहां से यहां जाने में लिया है उतना टाइम सोर्स ने यहां से यहां आने में लिया है, तो ये चीज साउंड की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगी, और ये चीज सोर्स की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगी, बिकॉज सेम टाइम में डिस्टेंस कवर हो रही है, सेम टाइम में सोर्स यहां से यहां पहुंच रहा है और साउंड यहां से यहां आ रहा है। अब जो भी सब रख के देख लो अपना आंसर आ जाएगा, ये कंसेप्ट है इसमें। और बात मान लो मेरी, कई लोगों को ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है, बता रहा आपको, वैसे पूछ लो कि हम सोर्स की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट लेते हैं ये कौन से मूवमेंट वाला लग गया, सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन से मूवमेंट पर, साउंड के सुनते वक्त या साउंड के निकलते वक्त? निकलते वक्त लेना होता है। जब कंपोनेंट्स करेंगे तो इसका ध्यान रखना होता है। सोर्स कंपोनेंट इज ऑलवेज एट द टाइम व्हेन द साउंड वाज एमिटेड, और अगर ऑब्जर्वर भी मोशन में होता तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का कंपोनेंट उस मोमेंट पर लेना होगा जब वो साउंड को सुन रहा होगा, लिसनिंग के टाइम पर। सोर्स कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ एमिशन एंड ऑब्जर्वर कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। ये एफ एपरेंट निकाला है एफ। अब इसका बी पार्ट जो है, इस क्वेश्चन का बी पार्ट, बी पार्ट के लैंग्वेज को ध्यान से देखो तो उसमें ये कह रहा है कि जो पर्सन को साउंड सुनना है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का सुनना है, मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल आर इक्वल। तो ऐसा कब हो सकता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सेम? मतलब थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए ना, थीटा 90 हो जाएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर दोनों बराबर हो जाएंगे। थीटा 90 होने का मतलब सोर्स की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, और ये लोकेशन किस चीज की होनी चाहिए, साउंड के एमिट करने की या साउंड के सुनने की? एमिट करने की। मतलब जब यहां पर साउंड एमिट होगा, अगर ये इफ दिस इज पॉइंट ऑफ एमिशन ऑफ साउंड, इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ एमिशन ऑफ साउंड, बट ऑब्वियसली वो सुनाई तुरंत तो देगा नहीं, तो जब भी ये सुनाई देगा बट एमिट यहां पे हुआ, भले कुछ टाइम बाद सुनाई देगा बट वो सुनाई देगा उसी फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन जब तक आप उस साउंड को सुनोगे तब तक ये सोर्स आगे जा चुका, और वही पूछा उन्होंने सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब इसमें कंसेप्ट सिर्फ इतना सा था कि आपको सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट कब लेना है, रिसीव करते वक्त या फिर एमिट करते वक्त, तो उसका आंसर दे दिया आपको एमिट करते वक्त। और इसकी एप्लीकेशन पर एक बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन, आखिरी वाला क्वेश्चन डेरिवेशन तरीके से है, वो खुद करना होगा, और वो डेरिवेशन जो क्लास में की गई है उसकी हेल्प से ही होगा। हिंट इतनी है कि जो हमने डेरिवेशन में S1 S2 लिखा है वो Vs into T लिखा था, क्योंकि सोर्स कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। अब आप बस हिंट है, बाकी पूरा क्यों बोल रहे हो, बाकी सोचने दो लोगों को, आपको उतनी ही हिंट है।
और एक बड़ा ही यूनिक सा क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, सोर्स सर्कल पर रिवॉल्व कर रहा हूं, बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन होता है। मतलब यहाँ कहीं पर एक सोर्स है और वो ओमेगा स्पीड से आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व हो रहे हैं और उसी प्लेन में काफी दूर कोई पर्सन है स्टेशनरी। सोर्स ऑफ साउंड इज इन अ सर्कुलर पाथ विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा रेडियस आर। लिसनर एट सम डिस्टेंस कुछ डी वगैरह मान लो, सेंटर सही है। And the source is continuously emitting a sound of frequency f. Sound frequency जो emit हो रही है वो f हो रही है। As a basic rule, आपको ये बताया गया था कि जब source observer पास में आते हैं तो frequency बढ़ जाती है और जब दूर जाते हैं तो frequency कम होती है, और इसमें वो दोनों बातें होंगी। हाँ, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो जब सोर्स इधर की तरफ आएगा तो ये ऑब्जर्वर के नजदीक जाएगा, लेकिन यही सोर्स जब इधर चला होगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ेगी और कभी कम होगी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज यहाँ पर पर्सन जो होगा ना वो जो सुनेगा, मतलब यहाँ पर जो एफ एपरेंट होगा वो वेरी कर रहा होगा, वेरिएबल रहेगा, कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाएगा। ये कभी कभी हाई पिच का साउंड सुनाई देगा, कभी लो पिच का साउंड सुनाई देगा। भले यहाँ वाली पिच कॉन्स्टेंट है, एमिट करने वाली पिच कॉन्स्टेंट है, बट कभी इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इसको और कभी इससे कम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बिकॉज सोर्स जब ऐसे चलेगा तो कुछ कुछ टाइम के लिए वो ऑब्जर्वर के नजदीक जा रहा है, लेकिन जब वो सोर्स ऐसे मूव करने लगेगा तो उससे दूर जा रहा होगा। पास आते वक्त फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और दूर जाते वक्त फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है ये आपको बताना है। आइडिया दो सर, क्वेश्चन पूरा ना सॉल्व करो। यहाँ मैक्सिमम नहीं होगी, एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो कभी ना कभी सोर्स इस प्लेस पर तो आएगा जब उसकी वेलोसिटी डायरेक्टली पर्सन की तरफ हो जाएगी, और कभी ना कभी उस टेंजेंट पे चला जाएगा जब उसकी वेलोसिटी उससे दूर हो जाएगी। ये वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का केस हो, और ये वो पॉइंट है जहां पर मिनिमम, जब वो टेंजेंट पे चल रहा होगा, क्योंकि तब वीएस का कोई कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो ये होगा एफ एक्चुअल इंटू वी, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, डिनोमिनेटर में वी माइनस वीएस, और वीएस को हम सर्कुलर मोशन के हिसाब से वो आर ओमेगा वगैरह सब अपने आप एडजस्ट करेंगे, और मिनिमम का केस तब आएगा जब हाँ वी अपॉन वी प्लस वीएस, बस इतना ही करना था। बट ये समझने वाला केस था कि कब होगा, वो टेंजेंट पे होगा, नीचे ऊपर नहीं होगा। और देव ये आप निकाल सकते हो, ये आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन किसी भी लेवल तक जा सकता है। ये कितने टाइम बाद होगा, अगर हमने टाइम जीरो यहाँ पर माना था तो वो टेंजेंट रेडियस उससे ये एंगल वेंगल निकाला जा सकता है। मतलब अगर डी और आर दिया हो ना, डिस्टेंस पता हो, रेडियस पता हो, और ये लाइन रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो आप ये सब एंगल वेंगल निकाल सकते हो और फिर वो टाइम सब ठीक है। बट उसको टच नहीं कर रहे, हो गया आपका ये डॉक्टर।